मित्रों, मरण और स्मरण ये दोनों में एक आधे अक्षर का ही फर्क है। मरण मृत्यु होती है उसको कहती है, और कोई जीवन ऐसा जीता है कि आधा स इसके सामने लगता है, लग जाता है, और तो मरण के बाद वो लोगों के स्मरण में चीर काल तक जीता है। मुझे लगता है ये आधा स जोड़ने के लिए पूरा जीवन सिद्धांतों पर चलना पड़ता है, पूरा जीवन पतन लाए बगैर जीना पड़ता है, पूरा जीवन लोगों के लिए जीना पड़ता है, पूरा जीवन देश के लिए जीना पड़ता है, पूरा जीवन संस्कृति के लिए जीना पड़ता है, पूरा जीवन स्वधर्म और स्वदेश के लिए जीना पड़ता है। मुझे लगता है तिलक महाराज ने स्व बहुत परिश्रम कर अपने व्यक्तित्व के बहुआयामी पहलुओं से जोड़ा, और इसी का कारण है कि आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं, अनेक सालों तक करते रहेंगे। और मेरा नई पीढ़ी से बहुत विनम्र अनुरोध है, और मैं उनका आह्वान भी करना चाहता हूं कि आप तिलक महाराज को जरूर पढ़िए, बार बार पढ़िए। मेरा अनुभव है जितनी बार पढ़ोगे कुछ न कुछ नया प्राप्त करोगे, जो अपने आपके जीवन को भी ऊंचाई देगा और आपके व्यक्तित्व को भी आकार देने में आपकी मदद करेगा।